Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel and very good morning to all of you. So, अभी मैं फिलहाल हूँ जयपुर में और देख सकते हो पीछे ये जो है जगनिवास, यहाँ मैं अभी स्टे कर रहा हूँ. सो फिलहाल अभी आज मेरा डे टू है जयपुर में. मैं कल ही आ चुका था तो आज मैं जयपुर को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ अपनी बाइक को लेकर जिनोसो को. और अभी फ़िलहाल निकलने वाला हूँ मैं अमेर फोर्ट. यहाँ पे अमेर फोर्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है और वहाँ से व्यू भी अच्छा मिलेगा देखने के लिए. और भी बहुत चीज़ एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपनी बाइक से. तो वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर से करना भाई ये कैसा लग रहा है आपको वीडियो. तो अभी मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ भाई. यहाँ से कुछ ऐसा सीन है भाई यहाँ का, ठीक है. एंड चेक दिस आउट गाइस, ये रही आज दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ से भाई. अरे अरे अपनी बाइक यहाँ पे पार्क है, सही से कोई दिक्कत नहीं भाई. काफ़ी गंदी हो चुकी है ये बाइक. तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं. ये रहा इनका रिसेप्शन और ये सिटिंग एरिया इनका, जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था. सो चलते हैं, तैयार होते हैं फिर निकलते हैं भाई. फिलहाल मैं अपने रूम के अंदर आया हूँ और मैं सोकर उठा हूँ भाई. अभी जस्ट मैं आधे घंटे पहले सोकर उठा हूँ और वीडियो को अपलोड में लगाया हूँ भाई. यहाँ का इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, मोबाइल इंटरनेट, तो यहाँ का वाईफाई मैं यूज़ कर रहा हूँ. अच्छी बात है कि यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वीडियो को लगाया अपलोड में. ये चेक दिस आउट गाइस, अभी कितना मिनट लग रहा है, 2 hours 51 minutes. भाई साहब भाई नेट बहुत स्लो है यार यहाँ पे यार. तो बस यहाँ से निकलते हैं भाई, आधे घंटे में निकलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके. फिर मिलता है आपसे मोटो ब्लॉग सड़क पर. एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैं जयपुर आया हूँ सोलो ट्रिप है. ये मेरा सोलो ट्रिप है भाई, लाइफ का सोलो ट्रिप है. सो अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं क्या सीन है वहाँ का. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रेडी फॉर द राइड, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर जयपुर. तो अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर सिटी में, जयपुर सिटी को एक्सप्लोर करूंगा और एक जगह है अम्बर फोर्ट करके, अम्बर फोर्ट पे जाऊंगा, वहाँ पे देखूंगा वहाँ का क्या सीन है. सो कमरा बहुत बिखरा पड़ा है अभी. अभी यहाँ से निकलते हैं भाई. सब कुछ मैं ले लिया हूँ फिलहाल, तो चलते हैं. चेक दिस आउट गाइस, यहाँ का सही सा लोकेशन है भाई. ये लोकेशन देखो, यहाँ पे झूला भी है. बैठ के मैं तो झूलूँगा भाई, पहले बहुत दिनों से नहीं बैठा हूँ झूलों पे. लेट्स कैप्चर दिस. मैंने अभी तक इसका कीरिंग भी नहीं लिया भाई, इसका कीरिंग भी लेना पड़ेगा. बाकी वाइब्स बहुत सही है यार, ऐसा लगता है जैसे कैसे फिल्मों में देखता हूँ ऐसा सीन है भाई यहाँ पे. सो चलते हैं अम्बर फोर्ट की तरफ, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करेंगे. ये क्या गिरा है, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ चलते हैं भाई. अपनी बाइक चल चुकी है 3176 किलोमीटर चल चुकी हैं. इट विल टेक टाइम टू कोल्ड स्टार्ट. सो मैं निकल चुका हूँ गाइस, लेट्स एक्सप्लोर जयपुर भाई. बहुत मज़ा आने वाला है ब्रो. सो बेसिकली मैं जा रहा हूँ अम्बर फोर्ट के साइड, एक दिन और मैं स्टे कर रहा हूँ आज के दिन और कल मैं निकल जाऊँगा. कल देखता हूँ, अगर मैं आज के दिन स्टे कर गया तो कल का डिसाइड कर रहे हैं कि मे भी कल दिल्ली वापस निकल जाऊँ या फिर मैं जोधपुर चला जाऊँ, ऐसा कुछ प्लान हो रहा है. सो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 12 किलोमीटर है भाई. इसका टर्निंग है ना थोड़ा सा रिस्क लगता है, कहीं बाइक गिर ना जाए. जाने से पहले मैं कुछ खाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा यार, क्योंकि भूख लगी है. ट्रैवल पे ना खाने पीने की वाट लग जाती है, बाकी फुल मौज. सो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं निकला हूँ अम्बर फोर्ट की तरफ. और ये जो है जयपुर का मार्केट है एंड आई एम नियर मुंबई इंडियंस रोड. जयपुर में एक मुंबई इंडियंस है, रोड का नाम है पावर. पावर पावर है भाई, पावर पावर. शायद मेरी लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रही थी या फिर वो सो कर उठा था. वाओ चेक दिस आउट गाइस, जयपुर. पुलिस वाले पकड़ लिया ना, सीधा मांगेगा पेपर दिखाओ, अपने पास तो इसका आरसी भी नहीं आया है. पुलिस वाला है भाई. पकड़ के भूल गया कि सामने पुलिस वाला. चेक दिस आउट गाइस, सारा मार्केट अभी बंद है भाई. कल तो इस टाइम तक तो भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा, सारा मार्केट ओपन था. आज अभी सुबह के 9 बजे हम मार्केट नहीं ओपन हो रहा है.
गुड मॉर्निंग जयपुर, ये रहा हवा महल भाई, चेक दिस आउट गाइस, हवा महल भाई साहब खतरनाक। यहाँ पे ना पार्किंग का दिक्कत है, यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं, तो मैं कहाँ से फोटोज क्लिक कराऊँ भाई। अतिथि देवो बाबा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से यूटर्न लेके ना हवा महल का एक बार कैप्चर करूँ, बढ़िया से फोटोज वगैरह निकालूँ, गाइस मजा आ जाएगा। और जो फोर्ट है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और वो शाम को क्लोज हो जाता है 5 बजे, तो सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके चेक करूँगा भाई क्या सीन है। तो सामने खड़ी है भाई BMW GS 750 सॉरी। अरे रहा हवा महल भाई, बहुत सही लोकेशन है भाई ये का। और भीड़ भाई सामने, तो भीड़ देखो भाई सामने कितना भीड़ है। यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है तो अंदर जा नहीं सकते। और यहाँ पे भाई मार्केट कुछ ऐसा है भाई, यहाँ का मार्केट वगैरह देखो, जूते वगैरह चप्पल वगैरह बैंगल्स कपड़े का दुकान, पुलिस वाले फॉरनर्स भी आए हुए हैं भाई यहाँ पे। एंड यहाँ का लोकेशन देखो, विंड व्यू कैफे करके कुछ है, ऊपर से लोग देख रहे हैं। और क्या है भाई यहाँ पे सांप भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए भाई साहब। ओह माय गॉड, लगता भाई सांप आपसे। चलते हैं यहाँ से यूटर्न लेते हैं और अपने मंजिल की ओर चलते हैं। जय भाई, पहाड़ों को काट के बना हो गया, यहाँ बाइक गूंज रही है। आई थिंक वो है अंबर फोर्ट, दिख गया मुझे भाई साहब। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कितना बड़ा फोर्ट है भाई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ फोर्ट ऐसा। वाव, व्हाट अ ब्यूटी, ये पार्किंग एरिया है भाई, यहाँ पार्क करेंगे। ये रहा फोर्ट, साइड में लगाता हूँ बाइक को। ये देखो गाइस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट वे टू विजिट अंबर प्लेस विद गाइड बाय योर पर्सनल व्हीकल गाइड। बहुत बड़ा सा फोर्ट है भाई, तो अंबर फोर्ट के बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। ओहो भाई साहब, ये देखो भाई सामने, ओह मैं तो भी फिल्मों में बस दिखता था, सामने देखो भाई ये क्या है, इसको बनाया कैसे होगा भाई। इधर इधर भी कुछ माहौल है, इधर हाथी वगैरह है भाई, आप यहाँ से एलिफेंट राइड भी ले सकते हो ऊपर के लिए। ये क्या है, नहीं है, नहीं भैया नहीं, नहीं नहीं रहने दीजिए, नहीं नहीं रहने दीजिए, एलिफेंट ले जाओ। सो गाइस, अभी मैं एक लोकेशन पे आया हूँ, यहाँ पे आप एलिफेंट राइड भी कर सकते हो। ये देखो कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ का, ये है पार्किंग एरिया। और अभी बेसिकली मैं बाइक लेके ऊपर के साइड जाऊँगा। और वाओ, यहाँ पे भाई स्ट्रीट फूड भी है भाई बहुत सारे। अंकल जी, बाइक का रास्ता किधर से ऊपर जाने का? सीधा ही लेफ्ट साइड में एक आएगा गेट। ओके ओके, वहीं से सीधा ऊपर। थैंक यू। अरे मेरा मैन बिता दूंगा 200 रुपये से। 200 रुपये में घूमने के बाद में 200 लेना। बाद में ज़्यादा तो नहीं मांगोगे ना? बाद में ज़्यादा तो नहीं मांगोगे? जो रेट है वो ही लेंगे सर, 200 आपको। चलो ठीक है, तो अपने चलोगे ना? सो गाइज, मैंने गाइड ले लिया है, और गाइड क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है ना गूगल से तो गाइड को अच्छा अच्छा है, गाइड मिल गया अपने को सस्ते में 200 रुपये में। सो अभी चलते हैं ऊपर की ओर। ये गाइड है भाई, इसे ही फॉलो करेंगे। चेक दिस आउट गाइस, क्या ही सीन है भाई, भाई बाइक बंद मत हो भाई बाइक बंद मत हो, ऊपर जाके कहीं बंद हो गया ऐसा करना मत ब्रो। भाई मैं फोर्ट के ऊपर जा रहा हूँ, फोर्ट के ऊपर जा रहा हूँ भाई, फोर्ट के ऊपर मजा आने वाला है गाइस।
ऑनलाइन हो जाएगा? नेटवर्क नहीं आता। 20 रुपीज लीजिए सर। ये भैया जाएंगे आपके साथ राइड के लिए। अच्छा, लास्ट में 200 रुपये इन्हीं को देना है। ठीक है, घुमाने के बाद। सो गाइड चेंज हो गया भाई। गाइड चेंज हो गया, वो कहीं और निकल गया। अभी ये नया गाइड है। कोई नहीं, ओह माय गॉड भाई साहब, ओहो भाई साहब, बहुत ज़्यादा डरावना है रे। अबे चढ़ाई तो सही है, ये रोड कैसा है? ये तो ऑफ रोडिंग हो गया, ये तो खतरनाक नेक्स्ट लेवल वाला ऑफ रोडिंग है भाई। यहाँ पे फोर व्हीलर्स भी हैं, बाइक्स। अपनी सुपर बाइक पहुँच चुकी है भाई ऊपर के साइड। ओ भाई साहब, काफी ज्यादा टफ चढ़ाई है। हाँ भैया, यूपी से आ रहे हैं, रहने वाला बिहार का हूँ। हाँ, गाजियाबाद से आ रहा हूँ मैं। कहाँ का टूर हो रहा है? बस जयपुर का ही टूर था,